कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके लोहे बाजार की जानकारी के साथ मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। लोहे बाजार में किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़, एमएस सिंगट, एमएस स्क्रैप, एशिया की लार्जेस्ट मंडी मंडी गोविंदगढ़ में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, कास्ट आयरन के भाव, 400 CRC कॉइल के भाव की जानकारी, साथ ही साथ सरिये के बाजार की भी आपको जानकारी देंगे। किस तरीके से रायपुर मंडी गोविंदगढ़, दुर्गापुर में कामकाज सरिये के बाजारों में हो रहा है, और साथ ही साथ मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट से। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट पे कल देखा गया जैसे कि 48,000 रुपये बाजार बंद हुआ। इसमें 200 रुपये की एक मामूली गिरावट देखी गई। बाजार निचले स्तर से अगर देखेंगे तो लगभग 2,500 रुपये बढ़ा है, तो स्वाभाविक है 500-700 रुपये की एक प्रॉफिट बुकिंग होना एक इस समय बाजारों में स्वाभाविक देखा जा रहा है। एमएस स्क्रैप की अगर बात करेंगे तो 37,500 रुपये का भाव बाजारों में देखा गया। इसमें भी 200 रुपये पर टन के हिसाब से गिरावट दर्ज करेगी। एमएस सिंगट और स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,500 रुपये हो गया। कास्ट आयरन की अगर बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 40,800 रुपये रहा, इंपोर्टेड का भाव 41,800 रुपये रहा। चलिए जान लेते हैं 400 CRC कॉइल की क्या स्थिति है। लुधियाना 400 कॉइल का भाव 58,500 रुपये, CRC कॉइल का भाव 63,300 रुपये बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। गाजियाबाद की बात करेंगे तो 59,000 रुपये CRC कॉइल का भाव 66,000 रुपये रहा। कोलकाता 400 सीट का भाव 56,300 रुपये, CRC सीट का भाव 62,300 रुपये बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। ये सारे बेसिक रेट है, इस पर 18% GST लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से दे होता है। जैसे कि आप लोगों को लगातार बताते हुए चले आ रहे हैं विदेशी बाजारों में उतना बढ़िया सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, चाइना में डिमांड कमजोर की वजह से लगातार आप देख रहे हैं बाजारों में दबाव है, आयरन ओर के दाम वगैरह भी घट रहे हैं, उसका असर भी बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। उसकी वजह से बाजारों में आपने देखा है एक मार्केट में एक प्रेशर की स्थिति बनी हुई है। घरेलू बाजारों में तो तेजी देखी गई लेकिन विदेशी बाजारों में उतनी अच्छी तेजी बाजारों में नहीं देखी जा रही है। चलिए जान लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर का भाव 51,200 रुपये, लगभग 200 रुपये पर टन के हिसाब से गिरावट के साथ दर्ज किया गया। GI वायर का भाव 55,400 रुपये हो गया। MS पाइप की अगर बात करेंगे गोविंदगढ़ पाइप का भाव 52,300 रुपये रहा। रायपुर पाइप का भाव 49,000 रुपये पर कामकाज होता हुआ नजर आया। यह भी सारे बेसिक रेट है, इस पर 18% GST लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेस अलग से दे होता है। आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे किस तरीके से TMT के बाजारों में कामकाज रहा। मंडी गोविंदगढ़ TMT का भाव 53,100 रुपये बाजारों में कामकाज नजर होता हुआ नजर आया। दुर्गापुर का भाव 48,300 रुपये, इंदौर का भाव 53,500 रुपये, रायपुर का भाव 48,200 रुपये रहा। जयपुर की अगर बात करेंगे 52,600 रुपये, मुजफ्फरनगर का भाव 51,200 रुपये, भावनगर का भाव 53,200 रुपये, गाजियाबाद का भाव 52,600 रुपये, जल्ला का भाव 53,300 रुपये, पटना की अगर बात करेंगे तो 50,000 रुपये का भाव रहा। सभी बाजारों में आप देख के चल सकते हैं लगभग 300-400 रुपये पर टन के हिसाब से ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बाजारों में गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। बाजारों में आप फ्रेश खरीदारी करनी है थोड़ा सा इंतजार करिए, और गिरावट आती है तो वहाँ पर आप खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। अब जान लेते हैं मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 47,600 रुपये का है, रेजिस्टेंस का लेवल 48,400 रुपये का। इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 37,100 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 37,900 रुपये का है। तो ओवरऑल आउटलुक में आप देखेंगे कि लोहे बाजार में ट्रेंड पॉजिटिव है, बाजारों में गिरावट पे आप सरिया एंगल गार्टर चैनल में आप गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले जून मंथ में और भी अच्छी रिकवरी बाजारों में आपको दिखाई दे के चल सकती है, लेकिन ऊपरी स्तर पर सतर्क रहिए और मुनाफा वसूली करते हुए जरूर चलिए। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।